हाय गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब जहाँ पे भी होंगे सुरक्षित होंगे। सो वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे, जो कि है पूजा ऑफिशियल ब्लॉग। और अभी रात के 11 बज रहे हैं और बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बहुत तेज़। सो मुझे भी अपना स्किन केयर करना है, सो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को भी दिखा दूँ मेरा स्किन केयर मैं कैसे करती हूँ। सो जस्ट मैं अभी वहाँ पर अपना फेस वॉश करके आई हूँ, तो मैं दिखा उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि बाहर कितनी तेज़ बारिश हो रही है और बाहर का नज़ारा क्या है। काफ़ी अंधेरा है सो बाहर, इसलिए आप लोगों को दिख नहीं रहा है। स्ट्रीट लाइट्स हैं लेकिन बहुत दूर है, मतलब कि इधर उधर रोड पे हैं, यहाँ नीचे स्ट्रीट लाइट्स नहीं है इसलिए आपको नहीं दिख रहा है। बहुत तेज़ बारिश हो रही है और कोई दिख भी नहीं रहा है आपको यहाँ पे, क्योंकि जैसा कहा 11 बज गया है, सब लोग निकल गए सोने। तो अभी मैं हम अपना स्किन केयर करेंगे, स्किन केयर नहीं करेंगे एक्चुअली, नाइट केयर करेंगे। नाइट में कैसे होता है, मैं फेस वॉश करके आई हूँ सो मेरा स्किन अभी बहुत ड्राई हो गया है, मेरा ये पता नहीं कैसे निकल गया यहाँ पे। सो मैं आपको दिखाती हूँ मैं अपना नाइट स्किन केयर कैसे करती हूँ। सो मैं यहाँ पे अपना फेस वॉश करने के बाद मैं यहाँ पे लोशन लगा रही हूँ, जो कि नाइट लोशन ही है। सो मैं इसको फिंगर टिप्स के हेल्प से अपने पूरे चीक्स में स्प्रेड कर रही हूँ, और इसको मैं तब तक ऐसे रब करूँगी ना जब तक कि स्किन में थोड़ा सा एब्जॉर्ब हो जाए, क्योंकि नाइट का टाइम है। अब धोना तो है नहीं, हटाना तो है नहीं, इसलिए मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए अच्छे से। उसके बाद मैं यहाँ पर एक सीरम लूँगी, वो सीरम भी मेरा ख़त्म ही होने वाला है, मैंने सारे एक्चुअली न्यू न्यू मंगाए हैं, अभी देखिए कब तक आता है। बोला तो है 17 तक आ जाएगा डिलीवरी मेरी, लेकिन अभी कब तक आता है। ये क्या हो गया ना कि ड्रॉपर पहुंचता भी नहीं है इतना अंदर तक, सो ये निकलता भी नहीं है इतना, और ये जेल टाइप का है। सो इसको भी मैंने अपने पूरे फेस में स्प्रेड कर दिया है, और क्योंकि क्वांटिटी इसकी थोड़ी सी है तो मैं दो फिंगर से लगा रही हूँ ताकि पूरे जितने भी प्रोडक्ट है मेरे हाथ में ना, उंगलियों में ना लग जाए। सो मैं दो उंगलियों के हेल्प से इसको पूरे अपने गाल में स्प्रेड कर रही हूँ, मैं मेक श्योर कर रही हूँ कि पूरे हर जगह पे लग जाए, क्योंकि एज़ यूजुअल नाइट का टाइम है। उसके बाद फिर ये मेरा डर्माको का ही प्रोडक्ट है, यहाँ पे एक्चुअली जितने भी मैंने प्रोडक्ट लगाए हैं सब डर्माको के ही प्रोडक्ट हैं। ये नाइट जेल है, इसमें इससे आपकी स्किन ये रिपेयर करता है रातों रात। तो इसमें क्या है कि आपको थोड़े बहुत पिंपल्स या पिगमेंटेशंस भी होंगे ना, या ऑयली स्किन की जिसकी प्रॉब्लम है वो इसको भी ठीक कर देता है। ये मैं लगाने से मैं सुबह अगर अपना फेस छूती भी हूँ ना तो बहुत मतलब स्मूथ रहता है, बहुत रिफ्रेशिंग रहता है, बिल्कुल भी ड्राइनेस जैसा कुछ भी नहीं होता है ये मेरा फेस ये। सो इसलिए मुझे डर्माको के प्रोडक्ट थोड़े अच्छे भी लगते हैं, एक्सपेंसिव है लेकिन थोड़े अच्छे भी लगते हैं। और एट लास्ट अपने मैं लिप्स को मॉइस्चराइज करूँगी, ये हिमालय का है जो कि ख़त्म हो गया है, न्यू वाला पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया, मुझे मिल नहीं रहा है। सो जितना भी है अभी तक मुझे जहाँ तक ये दिखा है जितना भी है, तो मैं इसको अपने फिंगर्स के हेल्प से पूरे लिप्स में लगा रही हूँ, क्योंकि ये मेरे लिप्स को बहुत ज़्यादा देर तक मॉइस्चराइज रखता है, इसलिए मुझे पसंद है ये। सो ये मेरा स्किन केयर हो गया। अब आप सो मेरा नाइट रूटीन केयर हो गया, अभी मेरा स्किन थोड़ा अच्छा लग रहा है, ड्राई नहीं लग रहा है, बहुत सही है, स्किन स्मूथ हो गया, अभी थोड़ा अच्छा अच्छा लग रहा है, नहीं तो पहले बहुत खिंचा खिंचा सा लग रहा था। ये बस इतना ही है कुछ, मैं बस फेस वॉश करने के बाद मैं कुछ सीरम लोशन लगाती हूँ, लोशन के बाद मैं एक सीरम लगाती हूँ, उसके बाद नाइट जेल लगाती हूँ, और बस उतना ही ख़त्म। उसके बाद तो जो मेरा हिमालय का एक लिप बाम है जो कि मुझे पर्सनली बहुत पसंद है वो ख़त्म हो गया है, न्यू वाला पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया, तो मुझे अभी जो मिला मैंने वो लगा ली है अभी, उससे मेरा जो लिप्स है वो काफ़ी देर तक मॉइस्चराइज रहता है, इसलिए मुझे वो पसंद है। तो आई होप आपको मेरा ये नाइट रूटीन अच्छा लगा होगा, रूटीन नहीं मतलब फेस का जो रूटीन है मेरा वो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको बहुत सारा फॉलो करिए, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और मुझे खूब ऐसा ही प्यार देते रहिए। थैंक
तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, गुड नाइट।